हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpd.com। मेरा नाम है पूनम गर्ग और आप हमारे साथ सीख रहे हो MS Excel 2010। एक्सेल के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा एडवांस एक्सेल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, एडवांस एक्सेल है क्या? एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एडवांस फीचर होते हैं जिसकी हमें अपने काम के टाइम पर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एडवांस प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं, इसी को हम बोलते हैं एडवांस एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं। कई बार क्या होता है, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो तो आप देखते हो आपके पास स्टार्टिंग में एक फर्स्ट फाइल, जिसको बोलते हैं फ्रेश फाइल होती है, बिल्कुल न्यू फाइल होती है। लेकिन मुझे क्या करना है कि नहीं, फ्रेश फाइल को ओपन ना करें। जब भी मैं अपना एक्सेल को ओपन करूँ तो उसके अंदर एक मेरी ही फाइल दिखाए, जो मैं इसको पर्टिकुलर फाइल डिफाइन करूँ उसी फाइल को ओपन करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आप कैसे करोगे, आपकी जो भी फाइल है उसको सेव कीजिए। सेव एज ऑप्शन आपको दिखाता है, उस पर आप जाओगे और यहाँ पर डेस्कटॉप जो आपको साइड में दिखाएगा, डेस्कटॉप के अंदर आपको ये फाइल सेव करनी है। INT के नेम से मैंने इसको सेव कराया, आप चेक कर सकते हो, आपको दिखा देता है INT के नेम से फाइल आपकी दिखा दी है इसने। आप क्या करते हो, इसको सिलेक्ट करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे और यहाँ पर आपकी फ़ाइल की लोकेशन होती है। जो भी आपकी फ़ाइल की लोकेशन, आप उसको कॉपी करोगे, कंट्रोल सी, देन ओके। दोबारा से एक्सेल में आइए और ये ऑप्शन आपको मिलता है जो भी आपका यहाँ पर फाइल मेन्यू दिखाता है, इसके अंदर ऑप्शंस के नेम से, जिसको हम एक्सेल ऑप्शन बोलते हैं। एडवांस फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं आपको। देखिए, आप आ गए हो एक्सेल ऑप्शंस के अंदर। इसके अंदर दिखाएगा एडवांस नेम के से एक टैब दिखाता है आपको, इस टैब पर आप आओगे और यहाँ पर मिलेगा जर्नल ग्रुप। स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाएगा जर्नल ग्रुप। इसके अंदर ऑप्शन है एट अ स्टार्टअप ओपन ऑल फाइल्स इन, सारी फाइल्स कहाँ पर ओपन करें, तो उस पाथ को इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल वी किया हमने तो यहाँ पर इसको पेस्ट कराया और फिर ओके कीजिए। यानी कि आपकी जो भी फाइल की लोकेशन वो उसके अंदर पेस्ट हो चुकी है। अब आपकी फाइल जो भी थी डेस्कटॉप के अंदर, जितनी भी फाइल्स होंगी एक्सेल के अंदर, वही ओपन करेगा स्टार्टिंग में। आप इस फाइल को क्लोज करके चेक कर सकते हो, विंडो आर, हमने लिखा एक्सेल, देन एंटर। तो ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपको INT के नेम से जो आपकी फ़ाइल थी वही दिखाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप डेस्कटॉप पे ज़्यादा फाइल रखोगे, मोर देन वन फाइल होगी, तो वो सारी फाइल ही ओपन करेगा। अगर आपकी वन फाइल होगी तो वन को ओपन करेगा, ज़्यादा फाइल होंगी तो ज़्यादा को भी करेगा। अगर मुझे दोबारा से ये पाथ रिमूव करना है तो आप फिर से उसी ऑप्शन पर जाते हो, ऑप्शंस, एडवांस, जर्नल ग्रुप, और उसके अंदर से इस लोकेशन को रिमूव कर दीजिए, देन ओके और क्लोज। अब चेक कीजिए दोबारा से, ये देखिए बिल्कुल न्यू फाइल आपको दिखाएगा बुक वन के नेम से, आपकी फाइल नहीं होगी। ये दूसरी प्रॉब्लम आपकी वन। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है, कई बार हम जब भी काम करते हैं हमारे पास बहुत सारी फाइल एक साथ ओपन होती हैं। कंट्रोल एन किया मैंने, काफ़ी सारी फाइल्स ओपन की। ये देखिए, हमारे पास इस टाइम 19 फाइल्स ओपन हैं और मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेल तो ओपन रखना है लेकिन सारी फाइल एक साथ ही क्लोज करनी है। अगर मैं वन बाय वन करती हूँ उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी देखते हो 18, देन 17, फिर 16, इस तरह से आपको दिखाता है। बट अगर मुझे क्या करना है कि मेरी सारी फाइल ही एक साथ क्लोज हो जाए और एक्सेल क्लोज ना हो, एक्सेल ओपन ही रहे, तो आप क्या करोगे? अगर आप ऑल्ट फोर करते हो उससे तो एक्सेल को भी क्लोज करेगा। ये देखिए, हमारा एक्सेल भी बंद हो चुका है। मुझे क्या करना है कि एक्सेल ओपन रहे बट आपकी फाइल सारी क्लोज हो जाए, तब क्या करते हैं उसके लिए। मैंने दोबारा फिर फाइल ओपन कर ली है, कंट्रोल एन हमारे पास। अब कि देखिए, आप देख सकते हो 33 फाइल्स हैं। तो देखिए कैसे करोगे, क्विक एक्सेस टूल बार के पास में आपको एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के नेम से ऑप्शन दिखाता है, ये वाला ऑप्शन, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस ऑप्शन पर क्लिक करो, नीचे आपको दिखाता है मोर कमांड्स। जैसे आप मोर कमांड पे क्लिक करोगे दोबारा से आप एक्सेल ऑप्शन में आ जाते हो और यहाँ से आपने लेना है ऑल कमांड्स। मोर कमांड्स में क्या होता है, आपके एक्सेल के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी आपका एक्सेल है उसके अंदर कितने भी जो भी ऑप्शंस हैं जो आपको मेन्यू बार में ना मिले, वो ऑप्शंस आपको सारे मोर कमांड्स में मिलेंगे। आप यहाँ पर फाइंड करोगे क्लोज ऑल के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आप सी प्रेस करो और फाइंड करो क्लोज ऑल। ये देखिए, यहाँ पर शो किया इसने क्लोज ऑल, इसको ऐड करोगे और यहाँ से क्या करोगे ओके। जैसे आप ओके करते हो आप देखते हो
आपको क्विक एसेस टूल बार में क्लोज ऑल के नाम से एक ऑप्शन शो करेगा। अब जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी सारी फाइल क्लोज करेगा एक ही बार में। आप देख सकते हो एक्सेल तो ओपन है बट ऑल फाइल्स आर क्लोज, सारी फाइल क्लोज हो चुकी हैं। कंट्रोल एन से हमने दोबारा न्यू फाइल ली है, तो ये ऑप्शन था आपका क्लोज ऑल, जिसे आप सारी फाइल क्लोज कर सकते हो। अभी तो मैंने इसको इंसर्ट किया था क्विक एक्सेस टूल बार पे, लेकिन अगर आपने किसी मेन्यू के अंदर रखना है, होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर, कहीं पे भी किसी मेन्यू में आप रख सकते हो, तो उसके लिए भी है एक सॉल्यूशन। दोबारा से आप क्या करते हो, एक्सेल ऑप्शन पे जाते हो, और अभी तो लिया था हमने क्विक एक्सेस टूल बार, लेकिन अभी आप किस पे क्लिक करोगे, कस्टमाइज रिबन, इसके अंदर से आप ले सकते हो। दोबारा से अपनी कमांड को फाइंड करो, कौन सी कमांड आपने लेनी है, क्लोज ऑल, और अभी इसको बताओगे कि आपने कमांड कहाँ पर रखनी है। तो हमने बोला होम मेन्यू जो है आपका, यहाँ से आप लोगे ओल्ड टैब्स या मेन जो आपका टैब्स है वो लो होम के अंदर, और एक नया ग्रुप बना लेते हैं हम, न्यू ग्रुप। और मैंने यहाँ पर लिया जो भी आपका न्यू ग्रुप है उसके अंदर हमने इसको सेव कराया, न्यू ग्रुप आ गया आपका एक, और यहाँ से जो भी आपका क्लोज ऑल का ऑप्शन था उसको ऐड किया तो ये यहाँ पर आ गया। अगर आपने रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐड करना है तो उसको सिलेक्ट करोगे और क्लोज पे क्लिक करोगे ऐड। हमने क्लोज ऑल लेना था तो आप क्लोज ऑल को सिलेक्ट करो और फिर से उसको ऐड करा दो, ये देखिए। देन आपने ओके करना है तो आप देखते हो होम मेन्यू के अंदर आपको एक नया ग्रुप मिलेगा न्यू ग्रुप के नाम से, और उसके अंदर ऑप्शन दिखाएगा क्लोज ऑल, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये था कोई भी न्यू कमांड आपने ऐड करनी है तो आप कैसे करोगे। तो थ्री ऑप्शन हमने किए हैं। फर्स्ट में तो क्या था, जिसके अंदर हमने किया कि अगर कोई स्टार्टिंग के टाइम पे आपने अपनी फाइल, पर्टिकुलर फाइल कोई ओपन करनी है एक्सेल में तो कैसे करोगे। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास थी कि काफ़ी सारी फाइल एक साथ में ओपन है और आपने सारी फाइल को तो क्लोज करना है बट एक्सेल को नहीं करना, तो क्लोज ऑल वाली एक कमांड आप क्विक एक्सेस टूल बार पे ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन हमने किया कि अगर आपने अपने मेन्यूज़ के अंदर कोई न्यू ऑप्शन इंसर्ट करना है, एक नया ग्रुप बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। अब जरूरी नहीं कि क्लोज ऑल का ऑप्शन ही इसमें ऐड किया है, तो कोई भी आप ऑप्शन हो सकता है जो आपने ऐड करना है, अपने मेन्यूज़ के अंदर नया ग्रुप लेना है, तो आप ऐसे ले सकते हो। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।